हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आलोक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे से इस ब्लॉग चैनल में। और आज के इस ब्लॉग कुछ हट करके होने वाला है। आज के इस ब्लॉग में हम आपको देने वाले हैं यूट्यूब टूर, कहाँ पे हम क्या शूट करते हैं सारा कुछ आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। छोटा सा यूट्यूब सेटअप है तो आप लोग देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि कम बजट में सारा कुछ को हम इंक्लूड करने का कोशिश किए हैं। ज़्यादा बजट नहीं लगा है, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को। तो चलिए आपको हम बताते हैं एक एक करके क्या कुछ कहाँ पे क्या क्या सेटअप किया गया है। तो सबसे पहले आपको हम क्विक रिव्यू दिखा देते हैं इस पूरा सेटअप को जल्दी जल्दी से, कि क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा इस रूम के अंदर में। उसका बाद में आपको हम एक एक करके डिटेल में बताने वाले हैं कि कहाँ पर हम शूट करते हैं, कहाँ पे एडिटिंग करते हैं, कहाँ पे क्या शूट करते हैं, उस सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए इसको फटाफट से। तो स्टार्ट करते हैं नीचे से। आप लोग देखिए क्या कुछ आप लोगों को सारा कुछ एक ही जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको हम बताने की कोशिश करेंगे एक एक करके। देखिए ये जो पीछे आपको देखने को मिल रहा है ये ग्रीन स्क्रीन है, जहाँ पे हम डू एक्सीलेंस का वीडियो को शूट करते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का पर्दा टाइप से लगाया हुआ हूँ ताकि पीछे का बैकग्राउंड दिखे ना और अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे एक मेरा ये कंप्यूटर है जो कि काफ़ी पुराना है, उतना अच्छा से वर्क नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ स्टोर करके रखते हैं। जितने भी फाइल हो, डाटा हो, सारा कुछ को हम इसमें स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये छोटा भाई का है, वही यूज करता है। इसमें काफ़ी कुछ लगाया गया है नया नया चीज़। एडिटिंग के मामले में ये एक ज़बरदस्त कंप्यूटर है। यहाँ पर आपको Ryzen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, ग्राफिक्स कार्ड है, सारा कुछ मतलब अच्छा अच्छा लगाया गया है, तो काफ़ी इसमें स्मूथ वर्क हो जाता है। और देख सकते हैं एक चेयर भी है जहाँ पे हम बैठ करके वीडियोस बनाते हैं। और ये सब लाइट आप लोग देख सकते हैं, ये बेसिकली लाइट है बल्ब, जो कैप आता है ना उसके ही ऊपर हम मैंने फिल्टर LED बल्ब लगा करके ये फिल्टर पेपर का यूज किया हूँ। तो ये सब कुछ हम होम मेड ही बनाए हैं। ये कुछ LED लाइट्स वगैरह है जो कि बाहर से मैंने परचेज किया है, लेकिन काफ़ी चीप आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में ये भी आप लोग देख सकते हैं, वही सेम है। ये देखिए मैंने किस तरह से इसको सेटअप करके रखा हुआ, सीमेंटेड से डब्बा के अंदर दे करके पूरा एकदम सीमेंटेड कर दिया हूँ। और ये देख सकते हैं मेरा छोटा सा ट्राइपॉड, इसको आप लोग हाइट हाइट में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हाइट बढ़ाने के लिए मैंने ये कुछ लकड़ी का यूज किया हुआ हूँ, इससे काफ़ी हाइट बढ़ जाता है। और ये बोया का माइक है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा माइक है जहाँ पे अच्छा साउंड देखने को मिलता है। और साथ में आप लोग देख सकते हो और एक मैं इधर भी एक बैकग्राउंड को छुपाने के लिए पर्दा का ये यूज़ किया हुआ हूँ। साथ में और एक यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलेगा जो कि सेम फीचर है, और एक ये ट्यूब लाइट है। ये तो होगी पूरी इस साइड की बात। और एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये खिड़की बहुत काफ़ी दिनों से पेंट उंट नहीं हुआ है, जो कि ये रेंडर का है। रेंडर मतलब हम लोग रेंट पे ही रहते हैं, तो सोच रहे हैं कि कुछ ज़्यादा इम्प्रूव इन्वेस्ट करके इसको काफ़ी अच्छा से और भी बना दें, तो लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। और देख सकते हैं ये कैनन का प्रिंटर है जो कि कुछ प्रिंट करने में काम आता है, साथ में फ़ोटोज़ वगैरह सारा कुछ निकलता है यहाँ पर। ये एक ऑल इन वन प्रिंटर है और आपको देखने को मिल जाएगा फिर से एक ये चीज़ है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ कुछ सामान मैंने रखा हुआ हूँ जो कि सारा कुछ मेरा ही गैजेट से वॉच वगैरह है। यहाँ पे आपको पेन मार्कर वगैरह देखने को मिलेगा, और नीचे में सब मोबाइल का डब्बा सब है जो कि मैंने उसके अंदर भर के रख दिया ताकि डस्ट वस्ट ना लगे। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन तो आपको मैंने दिखा ही दिया, और एक है ये ट्यूबलाइट जल रहा है, एक ये ट्यूबलाइट है, और एक आप फिर से देख सकते हैं ये फिर से एक लाइट। ये है दादाजी का फोटो जो कि एक्सपायर कर गए हैं, 2019 में डेट किए थे ये, देख लीजिए, जो कि मैंने अपने YouTube सेटअप के सामने इसको लगा करके रखा हूँ, बहुत ज़रूरी है रखना।
और एक चीज़ आपको हम दिखाने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, वो आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसको लगा करके तो रखा हूँ, ये मेरे दो चीज़ के काम आ जाता है। साथ में अगर हम इसको हटा देते हैं तो यहाँ से आपको ये एक बोर्ड नज़र आएगा, देख लीजिए। यहाँ पे मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ या फिर ऑनलाइन वीडियोस वगैरह, जैसे कि ब्राइटनेस क्लासेस में हम क्लास 11 और 12 के बारे में वीडियोस बनाते हैं, तो यहीं पे हम बनाते हैं इस बोर्ड में ही। देखिए यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आगे से लिखा हुआ है जो कि मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है और एग्जामिनेशन सबका सामने भी आ गया। तो हम सोच रहे हैं कि अगले नेक्स्ट ईयर से ही इसको कंटिन्यू किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में काफ़ी अच्छा है, एक नंबर बोर्ड है। फिर मैं सिस्टम में बैठता हूँ अपलोड वगैरह करने के लिए या फिर डाटा को स्टोर करने के लिए, तो पूरा सिस्टम इधर चेंज हो जाता है। और जब भी कंप्यूटर का काम होता है उस टाइम मैं चेयर को इस साइड मोड़ देता हूँ और यहाँ पे अपना से आराम से बैठ करके सारा वर्क काम करके निकल जाते हैं। यहाँ पे इस यहाँ पे बैठते हैं इस तरह से और सारा काम को करते हैं फिनिशिंग। यहाँ से माउस वगैरह है, सारा कुछ अच्छा से लिपट जाता है। स्टोर करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए वो कंप्यूटर है, वहाँ पे अच्छा से एडिटिंग हो जाता है क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं आता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है ना, उसी के कारण थोड़ा दिक्कत आता है। लेकिन कोई नहीं, देखते हैं, बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे एक लैपटॉप लेने के लिए। उसमें काफ़ी हद तक अच्छा वर्क भी करता है और काफ़ी कुछ बेनिफिट है लैपटॉप में, आसानी से कहीं भी ले के जा सकते हैं। जैसे कि पर डे मेरा टैक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं घर पे रहता हूँ तभी वीडियो अपलोड हो पाता है, नहीं तो नहीं होता। लेकिन अगर मैं लैपटॉप ले लूँगा तो आराम से कहीं पर भी वीडियोस अपलोड कर देंगे एडिट करके फटाफट। ये आपको हम दिखाते हैं कि जब हम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उसको किस टाइप से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको लगाते हैं, चेयर को इस साइड में करते हैं इस तरह से। देखिए ये सब है, लाइट्स वगैरह को सेट करेंगे अभी और आपको हम दिखाएंगे। इस ट्राइपॉड को हम इधर होल्ड करके रख देते हैं, लाइट को थोड़ा सा हम आगे से कर लेते हैं इस टाइप से, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। और देखिए ये मेरे सेंटर पर आ गया है, यहाँ पे हम मोबाइल को होल्ड करते हैं और इन लाइट्स को थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं ताकि काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो आइए आपको हम एक बार सारा लाइट्स ऑन करके भी दिखा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने काफ़ी लाइट को ऑन कर चुका हूँ, एक लाइट वहाँ पे ट्यूबलाइट जल रहा है, एक बल्ब जल रहा है। देखिए इस साइड पर मैं एक लाइट को लगाता हूँ, ब्लिंक कर रहा है। ये लाइट है जो कि मेरे फेस को हल्का सा रेड टाइप से करता है, और एक ये लाइट है। और तो यहाँ पर मैं मोबाइल को माउंट करता हूँ इस तरह से, क्योंकि अभी तो मेरे पास कैमरा नहीं है तो मैं मोबाइल से ही वीडियो को शूट करता हूँ इस टाइप से। मोबाइल को लगाने के बाद हम कुछ इस टाइप से लगते हैं देखने में, जहाँ पे हम वीडियो को पूरी अच्छी से दिखा पाते हैं। यहाँ पे हम टेक वीडियो को शूट करते हैं यहाँ पर बैठ करके, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और साथ में पीछे में देख सकते हैं आप किस तरह से लग रहा है देखने में, बिल्कुल भी अच्छा लगता है, एकदम A to Z बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये हो गया टेक्निकल का सेटअप जहाँ पे हम वीडियो को बैठ करके शूट करता हूँ। आप लोग देख लीजिए किस टाइप से लाइट वगैरह जल रहा है, दो लाइट यहाँ जलता है, एक लाइट यहाँ पर है। और ये लाइट को मैंने ऑफ़ करके रखा हूँ क्योंकि पीछे से मारेगा तो डायरेक्ट कैमरा पे आ जाएगा तो फिर दिक्कत करेगा। देखिए ये सारा लाइट सब जला हुआ है। आइए आपको हम दिखाते हैं हम किस टाइप से बैठते हैं। जब हम टेक वीडियो को शूट करते हैं तो हम यहाँ पर कैमरा पर देखते हैं, और उधर से मैंने एक लगाया हुआ मोबाइल, जहाँ पे मतलब सारा कुछ आपको देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में। और यहाँ पे हम डायरेक्ट फेस करते हैं मोबाइल की ओर और अपना टेक न्यूज़ देते हैं और जितना भी टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस होता है वो यहीं पे बैठ करके बनाते हैं। और देखिए आप लोगों को देख रहा है कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लगता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया, बस घर का ही जो सामान है उसको यूज करके सारा सेटअप को तैयार किया हुआ हूँ। पैसा आएगा तो सेटअप को और ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तो नहीं है तो इसी में काम चलाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मेरा टेक्निकल का सेटअप। आइए आपको हम बताते हैं कि मैं डू एक्सीलेंस का जब वीडियोस बनाता हूँ, मोटिवेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड वीडियोस को, उसको किस टाइप से हम शूट करते हैं वो सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए। और देखिए जब हम डू एक्सीलेंस का वीडियो शूट करते हैं उस टाइम सारा जितना भी लाइट्स है सब ऑन रहता है, ट्यूब लाइट हो गया, ये लाइट भी देख सकते हैं ये भी ऑन है,
इधर आपको देखने को मिलेगा ये भी ऑन है और इधर भी ऑन है। ये लाइट मैंने तीन कलर का है, तीनों अलग अलग लगाया हूँ, जो सूटेबल होता है उसको हम यूज़ करते हैं। देखिए ये लाइट भी ऑन है, ये ट्यूब लाइट भी ऑन है, और देखिए आगे से आपको हम दिखाते हैं क्या कुछ आपको और देखने को मिलेगा। देखिए ये लाइट सारा लाइट ऑन रहता है, देख लीजिए यहाँ पर एक लाइट सारा मेरे फेस पे, और इसको ऑन करते हैं यहाँ से शूट होता है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में आता है, देखने में लगता भी है। तो जब हम डू एक्सीलेंस का वीडियो शूट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाइट ऑन रहता है, तो इसमें से काफ़ी सुंदर आपको देखने को मिलता है लाइट हर एक जगह से, ताकि फेस पे लाइट पड़े तो अच्छा से वीडियो एडिटिंग में भी अच्छा लगे और देखने वाला भी इम्प्रेस हो, अच्छा लगेगा उसको भी। तो सारा कुछ हम ऑलमोस्ट आपको सारा कुछ बताने का पूरी पूरी कोशिश कर दिए हैं, और जितना कुछ था सारा कुछ आपको हम दिखा दिए। और यहाँ पे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे हम ऑनलाइन जो क्लास होता है उसको लेने का कोशिश करते हैं, मतलब कोशिश क्या करते हैं, लेते ही हैं, क्लास 11 में हो या फिर क्लास 12 का। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, और ये ब्राइटनेस क्लासेस में अपलोड किया जाता है, यूट्यूब चैनल में ही अपलोड किया जाता है। और अगर आप सारा चैनल अगर विजिट करना चाहते हैं मेरा, तो सारा का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा वीडियो किस टाइम और किस वक्त पे और किस जगह से शूट होके डाला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा ही लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से अपने लाइफ स्टाइल हो या फिर ट्रेवलिंग हो या फिर यूट्यूब से रिलेटेड सारा वीडियो अपलोड करते रहते हैं यहाँ पे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर तो जाइएगा ही नहीं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पे किसी अच्छे इसी तरह ब्लॉग के साथ, और आई होप कि आप लोग अच्छा से ही रह रहे होंगे और अच्छा से ही रहिएगा, क्योंकि अभी समय थोड़ा ख़राब चल रहा है कोरोना की वजह से, लेकिन आपको घर पर रहना है और बी सेफ से रहना है, साथ में मास्क और सैनिटाइजर का यूज करते रहिए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।